Dear parents and my dear kids, Assalam Alaikum. Please open page number 56 of New Active English Class 5. It's page number 56, Unit 14, The First Man to Fly. पहले आदमी या पहले इंसान जो उड़े, fly, उड़ना. First man, पहले आदमी या पहले इंसान. Dear students, kindly hold pencils in your hands and write down the Urdu meaning of these difficult words. पेंसिल के साथ अपने बुक के ऊपर उर्दू में डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग लिखते जाएं ताकि बाद में आपको याद करने में आसानी रहे. सो लेट्स स्टार्ट. मैन, इंसान या आदमी. ऑलवेज, हमेशा से. वांटेड, चाहते थे. टू फ्लाई, उड़ना. मैन ऑलवेज वांटेड टू फ्लाई, इंसान हमेशा से उड़ना चाहते थे. फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, कई सौ सालों से. दे, वो वॉच्ड, देखते थे बर्ड्स, परिंदों को फ्लाइंग, उड़ता हुआ. फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स दे वॉच बर्ड्स फ्लाइंग, कई सौ सालों से वो परिंदों को उड़ता देखते थे. एंड और विश्ड, चाहते थे, ख्वाहिश करते थे. दैट, के, दे, वो कुड फ्लाई, उड़ सकें. टू, भी. एंड विश दैट दे कुड फ्लाई टू, और वो ख्वाहिश करते थे कि वो भी उड़ सकें. एक दफ़ा फिर इसका तर्जमा देखें. इंसान हमेशा से उड़ना चाहता था, कई सौ सालों से वो परिंदों को उड़ता देखते थे और ख्वाहिश करते थे कि वो भी उड़ सकें. बर्ड्स, परिंदे, फ्लाई, उड़ते हैं वेरी इजीली, बहुत आसानी से. बर्ड्स फ्लाई वेरी इजीली, परिंदे बहुत आसानी से उड़ते हैं. दे बीट, वो मारते हैं द एयर, हवा को. विद दियर, अपने विंग्स, परों के साथ. दे पीट दी एयर विद दियर विंग्स, वो अपने परों के साथ हवा को मारते हैं. एंड और क्लाइम अप, ऊपर की तरफ उठते हैं. थ्रू दी एयर, हवा से. एंड क्लाइम अप थ्रू दी एयर. दे पीट दी एयर विद दियर विंग्स एंड क्लाइम अप थ्रू दी एयर, वो अपने परों के साथ हवा को मारते हैं और हवा से ऊपर उठते हैं. क्लाइम अप का मतलब वैसे होता है चढ़ना, यहाँ पे आएगा ऊपर उठना. देन, फिर. दे स्प्रेड, वो फैलाते हैं दियर विंग्स, अपने पर. एंड फ्लोट, और तैरते हैं. ऑन द एयर, हवा के ऊपर. देन दे स्प्रेड दियर विंग्स एंड फ्लोट ऑन द एयर, फिर वो अपने पर फैलाते हैं और हवा के ऊपर तैरते हैं. द एयर, हवा. कीप्स, रखती है. देम, उनको. अप, ऊपर. The air keeps them up, हवा उनको ऊपर रखती है. Men, इंसान या आदमी. New, जानते थे. How to, कैसे. Make, बनाते हैं. Kites, पतंगे. Hundreds of years, कई सौ सालों से. Ago, पहले. Men knew how to make kites hundred of years ago, कई सौ सालों से इंसान जानते थे कि पतंगे कैसे बनाते हैं. काइट्स, पतंगे. कुड स्टे, ठहर सकती हैं. इन द एयर, हवा में. फॉर मैनी आवर्स, कई घंटों तक. काइट्स कुड स्टे इन द एयर फॉर मैनी आवर्स, पतंगे कई घंटों तक हवा में ठहर सकती हैं. इफ़ बर्ड्स, अगर परिंदे. एंड और काइट्स, पतंगे. कैन स्टे, ठहर सकते हैं. अप, ऊपर. इन द एयर, हवा में. परहैप्स, शायद. वी कैन, हम भी. सकते हैं. दे थॉट, वो सोचते थे. काइट्स कुड स्टे इन द एयर फॉर मैनी आवर्स, पतंगे कई घंटों तक हवा में ठहर सकती हैं. इफ़ बर्ड्स एंड काइट्स कैन स्टे अप इन द एयर, परहैप्स वी कैन, अगर परिंदे और पतंगे हवा में ऊपर ठहर सकते हैं तो शायद हम भी ऐसा कर सकते हैं. दे थॉट, वो सोचते थे. एट फर्स्ट, पहले पहल. दे मेड, उन्होंने बनाई. विंग्स, पर. लाइक बर्ड्स, परिंदों की तरह. एट फर्स्ट दे मेड विंग्स लाइक बर्ड्स, पहले पहल उन्होंने परिंदों की तरह पर बनाए. देन, फिर. दे जंप, उन्होंने छलांग लगाई. ऑफ, हाई, बुलंद बिल्डिंग्स, इमारतों से. देन दे जंप्ड ऑफ हाई बिल्डिंग्स, फिर उन्होंने बुलंद इमारतों से छलांग लगाई. एंड और ट्राइड, कोशिश की. टू फ्लाई, उड़ने की. एंड ट्राई टू फ्लाई, और उड़ने की कोशिश की. मैनी मैन, बहुत से आदमी. डिड दिस, ऐसा किया. बट, लेकिन.
दे ऑल वो सब फेल्ड नाकाम हुए टू फ्लाई उड़ने में। मैनी मैन डिड दिस बट दे ऑल फेल्ड टू फ्लाई। बहुत से आदमियों ने ऐसा करने की कोशिश की लेकिन वो सब उड़ने में नाकाम रहे। दे वो क्रैश्ड टकरा गए टू द ग्राउंड ज़मीन पर। दे क्रैश टू द ग्राउंड वो ज़मीन पर टकरा गए। सम कुछ वर किल्ड मारे गए। किल्ड का मतलब ऐसे होता है कत्ल कर होना या मारे जाना। सम वर किल्ड कुछ मारे गए एंड सम वर और कुछ बैडली बुरी तरह से हर्ट जख्मी। एंड सम वर बैडली हर्ट और कुछ बुरी तरह से जख्मी हुए। आफ्टर मैनी टाइम्स बहुत सी बारियों के बाद। आफ्टर के बाद मैनी बहुत सी टाइम्स बारियों। दे स्टॉप उन्होंने बंद कर दिया ट्राइंग कोशिश करना टू फ्लाई उड़ने की विद विंग्स परों के साथ। आफ्टर मैनी टाइम्स दे स्टॉप ट्राइंग टू फ्लाई विद विंग्स। बहुत सी बारियों के बाद उन्होंने उड़ने की कोशिश कर परों के साथ उड़ने की कोशिश करना बंद कर दिया। देन फिर टू ब्रदर्स दो भाइयों ने ट्राइड कोशिश की अनदर वे एक दूसरा तरीका। ट्राइड मीन कोशिश करना या आजमाना। देन टू ब्रदर्स ट्राइड अनदर वे फिर दो भाइयों ने एक दूसरा तरीका आजमाया। कैन यू गेस क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। गेस अंदाज़ा लगाना। कैन सकते यू आप विच वे कौन सा तरीका। कैन यू गेस विच वे क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन सा तरीका। दे ट्राइड उन्होंने आजमाया बलून्स गुब्बारों को। दे ट्राइड बलून्स उन्होंने गुब्बारों को आजमाया। हॉट एयर गर्म हवा इज़ है लाइटर ज़्यादा हल्की दैन कोल्ड एयर ठंडी हवा से। हॉट एयर इज़ लाइटर दैन कोल्ड एयर गर्म हवा ठंडी हवा से ज़्यादा हल्की होती है। दे सेड उन्होंने कहा दैट इज़ वाई इसीलिए हॉट एयर गर्म हवा गोज जाती है अपवर्ड्स ऊपर की तरफ। दैट इज़ वाई हॉट एयर गोज अपवर्ड इसीलिए गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है। इफ़ वी फील अगर हम भर दें ए बलून ए गुब्बारे को विद हॉट एयर गर्म हवा के साथ। इफ़ वी फील अ बलून विद हॉट एयर अगर हम ए गुब्बारे को गर्म हवा से भर दें इट विल गो ये जाएगा अपवर्ड्स ऊपर की तरफ। इफ़ वी फील अ बलून विद हॉट एयर इट विल गो अपवर्ड्स अगर हम ए गुब्बारे को गर्म हवा से भर दें तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। दे बिल्ट ए बलून उन्होंने एक गुब्बारा बनाया। दे उन्होंने बिल्ट बनाया ए बलून एक गुब्बारा। दे बिल्ट ए बलून उन्होंने एक गुब्बारा बनाया। इट वाज ये था मेड ऑफ बना हुआ थिन पतला क्लॉथ कपड़ा एंड पेपर और कागज़ का। इट वाज मेड ऑफ थिन क्लॉथ एंड पेपर ये पतले कपड़े और कागज़ का बना हुआ था। दे उन्होंने लिट जलाई ए फायर एक आग बीनीथ नीचे इट इसके। दे लिट ए फायर बीनीथ इट उन्होंने इसके नीचे आग जलाई। अप इंटू द एयर हवा के ऊपर इट वेंट ये गया। अप इंटू द एयर इट वेंट ये हवा के ऊपर गया। इट रीच ये पहुंचा ए हाइट बुलंदी तक ऑफ 1800 meters 1800 मीटर की बुलंदी तक। इट रीच अ हाइट ऑफ 1800 meters ये 1800 मीटर की बुलंदी तक पहुंचा। देन फिर द एयर इनसाइड हवा इनसाइड अंदर थी द बलून गुब्बारे के बिकेम हो गई कूल ठंडी। देन द एयर इनसाइड द बलून बिकेम कोल्ड। देन द एयर इनसाइड द बलून बिकेम कूल फिर गुब्बारे के अंदर मौजूद हवा ठंडी हो गई। एंड और इट केम ये आया स्लोली आहिस्ता से डाउन नीचे। एंड और जेंटली आराम से रेस्टेड रुक गया या ठहर गया ऑन द ग्राउंड ज़मीन पर। देन द एयर इनसाइड द बलून बिकेम कूल एंड इट केम स्लोली डाउन एंड जेंटली रेस्टेड ऑन द ग्राउंड। फिर गुब्बारे के अंदर हवा ठंडी हो गई और ये आहिस्ता से नीचे आया और आराम से ज़मीन पर ठहर गया। ए फ्यू मंथ्स लेटर कुछ महीनों बाद द ब्रदर्स भाइयों ने सेंट अप ऊपर भेजा अनदर बलून दूसरा गुब्बारा। ए फ्यू मंथ्स लेटर द ब्रदर्स सेंट अप अनदर बलून
कुछ महीनों बाद भाइयों ने एक और गुब्बारा ऊपर भेजा। दिस टाइम इस दफ़ा देयर वाज वहाँ था ए बास्केट एक टोकरी हैंगिंग लटकी हुई अंडरनीथ नीचे इट इसके दिस टाइम देयर वाज ए बास्केट हैंगिंग अंडरनीथ इट इस दफ़ा इसके नीचे एक टोकरी लटकी हुई थी। इन द बास्केट टोकरी में देयर वर थे थ्री एनिमल्स तीन जानवर ए शीप एक भेड़ ए डक एक बत्तख एंड ए हैन और एक मुर्गी। इन द बास्केट देयर वर थ्री एनिमल्स ए शीप ए डक एंड ए हैन इस टोकरी में तीन जानवर एक भेड़ एक बत्तख और एक मुर्गी थे। द बलून ट्रेवल्ड गुब्बारे ने सफ़र किया थ्रू द एयर हवा में से टू ए प्लेस एक जगह तक टू एंड ए हाफ किलोमीटर्स अवे टू एंड हाफ ढाई किलोमीटर अवे दूर तक। द बलून ट्रेवल्ड थ्रू द एयर टू ए प्लेस टू एंड हाफ किलोमीटर्स अवे गुब्बारे ने हवा में से एक ढाई किलोमीटर के फासले पर जगह तक सफ़र किया। गुब्बारे ने ढाई किलोमीटर दूर एक जगह तक हवा के ज़रिए सफ़र किया। देन फिर इट केम डाउन ये नीचे आया सेफली हिफाजत के साथ टू अर्थ ज़मीन तक। देन इट केम डाउन सेफली टू अर्थ फिर ये बहिफाजत या हिफाजत के साथ ज़मीन तक नीचे आया। नाउ अब इट वाज टाइम अब वक्त था फॉर मैन आदमी के लिए इंसान के लिए टू फ्लाई के वो उड़े। नाउ इट वाज टाइम फॉर मैन टू फ्लाई अब ये आदमी के लिए वक्त था कि वो उड़े या अब ये इंसान के उड़ने का वक्त था। इन अक्टूबर 1783 अक्टूबर 1783 में अनदर ऑफ द ब्रदर्स दूसरे भाइयों में से बलून्स गुब्बारे वेंट अप ऊपर गए। इन अक्टूबर 1783 अनदर ऑफ द ब्रदर्स बलून्स वेंट अप अक्टूबर 1783 में भाइयों के दूसरे गुब्बारे ऊपर गए। दिस टाइम इस दफ़ा ए मैन वेंट विद इट इसके साथ इस दफ़ा एक आदमी इसके साथ गया। द बलून डिड नॉट राइज वेरी फार द बलून गुब्बारा डिड नॉट राइज ऊपर ना उठा वेरी फार ज़्यादा दूर द बलून डिड नॉट राइज वेरी फार गुब्बारा ज़्यादा दूर ऊपर ना उठा। इट वेंट ये गया ओनली सिर्फ टू 25 meters 25 meters तक। इट वेंट ओनली टू 25 meters ये सिर्फ 25 meters तक गया। इट वाज टायर्ड ये बंधा हुआ था टू द ग्राउंड ज़मीन के साथ बाय अ रोप एक रस्सी से। इट वाज टायर्ड टू द ग्राउंड बाय अ रोप ये एक रस्सी के साथ ज़मीन से बंधा हुआ था। ए मंथ लेटर एक महीने बाद टू मैन दो आदमी वेंट अप ऊपर गए इन ए बलून ए गुब्बारे में फुल ऑफ भरा हुआ था हॉट एयर गर्म हवा। ए मंथ लेटर टू मैन वेंट अप इन ए बलून फुल ऑफ हॉट एयर एक महीने बाद दो आदमी गर्म हवा से भरे हुए गुब्बारे में ऊपर गए। दिस टाइम इस दफ़ा देयर वाज नो रोप कोई रस्सी ना थी। ए ग्रेट क्राउड ऑफ पीपल वॉच्ड ए ग्रेट क्राउड बहुत बड़ा हजूम ऑफ पीपल लोगों का वॉच देखा। ए ग्रेट क्राउड ऑफ पीपल वॉच्ड लोगों के एक बहुत बड़े हजूम ने देखा। द बलून रोज गुब्बारा ऊपर उठा टू ए हाइट बुलंदी तक ऑफ 900 meters 900 meters द बलून रोज टू ए हाइट ऑफ 900 meters गुब्बारा 900 meters की बुलंदी तक उठा। द विंड हवा ब्लू चली इट अलोंग इसके साथ फॉर 9 kilometers 9 kilometers तक। द विंड ब्लू इट अलोंग फॉर 9 kilometers हवा ने इसको 900 kilometers तक उड़ाया। देन फिर इट केम ये आया जेंटली आस्था से बैक टू अर्थ ज़मीन की तरफ। देन इट केम जेंटली बैक टू अर्थ और फिर ये ज़मीन की तरफ वापस आराम से आ गया। मैन आदमी हैड ट्रेवल सफ़र किया थ्रू द एयर हवा से फॉर द फर्स्ट टाइम पहली दफ़ा। मैन हैड ट्रेवल थ्रू द एयर फॉर द फर्स्ट टाइम आदमियों ने पहली दफ़ा हवा के ज़रिए सफ़र किया।
अदर मैन दूसरे आदमी फील्ड भरा बलून्स गुब्बारों को विद ए गैस एक गैस के साथ कार्ड जो कहलाती थी हाइड्रोजन हाइड्रोजन अदर मैन फील्ड बलून्स विद अ गैस कार्ड हाइड्रोजन दूसरे आदमियों ने गुब्बारों को एक गैस के साथ भरा जिसे हाइड्रोजन कहते थे। यू विल लर्न आप समझ जाएंगे आप सीख जाएंगे अबाउट दिस गैस इस गैस के बारे में व्हेन यू गो जब आप जाएंगे इनटू सेकेंडरी स्कूल जब आप सेकेंडरी स्कूल में जाएंगे। यू विल लर्न अबाउट दिस गैस व्हेन यू गो इनटू सेकेंडरी स्कूल आप इस गैस के बारे में जान जाएंगे जब आप सेकेंडरी स्कूल जाएंगे। नाउ विल गो टू पेज नंबर 57। हाइड्रोजन इज मच लाइटर देन एयर हाइड्रोजन इज मच लाइटर बहुत ज़्यादा हल्की है देन एयर हवा से हाइड्रोजन हवा से बहुत ज़्यादा हल्की होती है। बलून्स गुब्बारे फिल्ड विद हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन से भरे होते हैं वर एबल विद हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ वर एबल काबिल थे टू ट्रैवल सफ़र करें लॉन्ग डिस्टेंसेस लंबे फासले बलून्स फिल्ड विद हाइड्रोजन वर एबल टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे लंबे फासले का सफ़र तय करने के काबिल थे। बट द मैन लेकिन आदमी इन दी बास्केट्स टोकरियों में अंडरनीथ इसके नीचे कुड नॉट स्टीयर देम चला नहीं सकते थे बट द मैन इन दी बास्केट्स अंडरनीथ कुड नॉट स्टीयर देम लेकिन इसके नीचे जो टोकरियां थीं उनमें मौजूद आदमी इसको चला नहीं सकते थे। दे वेंट वो गए वेयर द विंड टुक देम जहां हवाओं ने ले गई दे वेंट वेयर द विंड टुक देम वो वहां गए जहां उन्हें हवा ले गई। लेटर बाद में बलून्स वर मेड इन द शेप ऑफ अ सिगार लेटर बाद में बलून्स वर मेड गुब्बारे बनाए गए इन द शेप शक्ल के ऑफ अ सिगार सिगार की बाद में सिगार की शक्ल के गुब्बारे बनाए गए देयर दीज वर कॉल्ड ये कहलाते थे एयरशिप्स हवाई जहाज दीज वर कॉल्ड एयरशिप्स ये हवाई जहाज कहलाते थे। यू कैन सी आप देख सकते हैं वन इन द पिक्चर अबव ऊपर दी गई तस्वीर में यू कैन सी वन इन द पिक्चर अबव आप ऊपर गई दी गई तस्वीर में एक देख सकते हैं यानी इस शक्ल के सिगार की शक्ल के वो बलून्स होते थे। दे हैड इंजन्स उनके इंजन्स होते थे टू ड्राइव चलाने के लिए देम अलोंग साथ साथ एंड दे कुड बी स्टीयर्ड और उन्हें रोका जाता था चलाया जाता था अ लिटल थोड़ा सा दे हैड इंजन्स टू ड्राइव देम अलोंग एंड दे कुड बी स्टीयर्ड अ लिटल उन्हें चलाने के लिए इंजन्स होते थे उन्हें चलाने के लिए इंजन होते थे और उन्हें थोड़ा सा रोका भी जा सकता था। बट दे वर लेकिन वो थे स्टिल ब्लोन अभी भी उड़ते थे अबाउट बाय द विंड हवा के साथ बट दे वर स्टिल ब्लोन अबाउट बाय द विंड लेकिन वो अब भी हवा के साथ ही उड़ते थे। द हाइड्रोजन गैस वाज डेंजरस टू हाइड्रोजन गैस भी खतरनाक थी डेंजरस खतरनाक टू थी हाइड्रोजन गैस भी खतरनाक थी। इट कोट फायर यह आग पकड़ लेती थी कोट पकड़ लेती थी फायर आग वेरी इजीली बहुत आसानी से इट कोट फायर वेरी इजीली बहुत आसानी से आग पकड़ लेती थी। देयर वर मैनी एक्सीडेंट्स बहुत से हादसात हुए एंड मैनी पीपल डाइड और बहुत से लोग मरे। एट लास्ट आखिरकार दे स्टॉप्ड मेकिंग एयरशिप्स आखिरकार उन्होंने हवाई जहाज बनाने बंद कर दिए। सो दिस वॉज आवर टूडेज लेसन यूनिट नंबर 14 द फर्स्ट मैन टू फ्लाई। अगर आप इनके साथ साथ मीनिंग लिख लेंगे तो आपके लिए ये लेसन याद करना बहुत आसान हो जाएगा और उसको जब आप समझ लेंगे तो इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी आपके लिए बहुत सहल हो जाएंगे। सबसे पहले इनके डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग याद करें और वो ज़बानी कॉपी पे लिखें उसके बाद
एक एक दो दो पैराग्राफ करके आप इनका बामुहावरा तर्जमा करें और वो भी ऐसे ही ज़ुबानी कॉपी पे लिखें। जब भी बच्चे याद करके कोई चीज़ लिखते हैं तो लिखने से आपको वो सबक, वो लेसन बहुत अरसे तक याद रहता है और जल्दी नहीं भूलता। उम्मीद है कि आप अपनी स्टडी पे ध्यान देंगे और उसको तवज्जो से अपना लेसन याद करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।